हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष अशोक यादव जी, इस चुनावी जनसभा के अध्यक्ष रामस्वरूप यादव जी, हमारी पार्टी के प्रत्याशी अमरीश सिंह पुष्कर जी, अमरपाल सिंह जी, श्रवण कुमार यादव जी, कृष्णपाल सिंह जी, विजय लक्ष्मी जी, डॉक्टर नरेंद्र रावत जी, रामकृष्ण जी, सत्यदेव सिंह जी, संजीव शुक्ला, आसिफ अली साहब, सिराज अहमद जी, मोहम्मद सुफियान, विनोद वर्मा, मायाराम वर्मा जी से लेकर के ब्रजेश यादव जी से लेकर के हमारी पार्टी के पहले रही विधायक, हमारी पार्टी के रही विधायक चंदा रावत जी और उस मंच पर उपस्थित तमाम समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता और चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे तमाम बुजुर्ग माताएं बहने नौजवान साथी पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले चुनावी जनसभा को सफल बनाने वाले तमाम साथियों का मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। साथ ही साथ हम अपने तमाम साथियों से अपील करेंगे, हम तमाम साथियों से अपील करेंगे चुनावी यही जोश और उत्साह बनाए रखना, और एक दिन बाद जब मतदान करेगा तो एक एक समाजवादी बता रहा है कि हम लोग ये जो संस्था बता रहा है, ये जो संस्था बता रहा है कि हम लोग इंतजार नहीं करना चाहते, जितनी आवाज आ रही है उसी से सुन लेना, अभी चाहिए। मैं तमाम साथियों से निवेदन कर रहा हूं कि इस चुनाव में मदद कर देना और यही जोश और उत्साह बनाए रखना, और मुझे भरोसा है कि एक बार फिर यहां से समाजवादी पार्टी अच्छे वोटों से जीत करके जाएगी। ये लखनऊ के लोग हैं, हमें पता है लखनऊ के लोग ये बीजेपी से बहुत धोखा खाए हुए लोग हैं, इसलिए अच्छे दिन वालों को ये घुसने नहीं देंगे अपने यहां। और बताओ जिन्होंने अच्छे दिन की बात कही, लाइन लगा दिया कि नहीं लगा दिया सबको? जो कुछ पैसा था सब जमा करा लिया, और जो वादा किया था कि 15 लाख अकाउंट में पहुंचाएंगे, बताओ 15,000 रुपए भी भिजवाए हो तो बताइए। और जो हमारी गरीब माताएं बहने हैं इनका भी पैसा निकलवा दिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, धोखा दिया। सबसे ज्यादा तकलीफ किसान और हमारा गरीब हुआ, और तमाम ऐसे लोग जो लाइन में लगे थे गरीब, उनकी जान भी चली गई। अगर किसी ने मदद की तो समाजवादी लोगों ने उनकी भी मदद करने का काम किया। हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री जी बहुत मन की बात कर रहे हैं, बहुत दिनों से रेडियो पे मन की बात हो रही है,
अब तो टीवी पे भी मन की बात होने लगी है। हम पूछना चाहते हैं कब होगी काम की बात। कोई काम की बात हो तो बताओ। और अभी तक जनता समझ नहीं पाई इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मन की बात। इन्होंने धोखा दिया है। इसलिए साथियों वही याद रखना, एक पत्थर वाली सरकार वाले भी घूम रहे होंगे, उनसे भी सावधान रहना। पहले भी ये मिलकर रक्षाबंधन मना चुके हैं और अब कह रहे हैं कि हम विपक्ष में रहेंगे। यही तो कह रहे हैं कि हम विपक्ष में रहेंगे, इसका मतलब हार मान गए अपने आप। और सुना है विकास की बात भी करने लगे हैं वो लोग जिन्होंने हाथी लगवाए बड़े बड़े, अब वो भी विकास की बात कर रहे हैं। हमने तो 9 साल से यहीं पर हाथी देखे हैं लखनऊ में, वो पत्थरों के हाथी अभी भी खड़े हैं और अभी भी बैठे हैं, और बैठे वाले खड़े नहीं हुए और खड़े वाले आज तक हाथी बैठे नहीं हैं। ये इनका विकास का मॉडल है हाथी लगाने वाला। और फिर कभी भी ये रक्षाबंधन मना सकते हैं, सावधान रहना इन लोगों से। ये बीजेपी वालों ने हमारी बुआ के साथ कई बार रक्षाबंधन मनाया है। और ये बीजेपी वाले जो बात कह रहे हैं कि ये दो कुनवों का गठबंधन है, हम उन्हें कहना चाहते हैं ये दो कुनवों का गठबंधन नहीं, ये दो युवा नेताओं का इस बार गठबंधन हुआ है। उत्तर प्रदेश में तो जीतेंगे ही, देश की राजनीति में भी बदलाव लाने का काम यही गठबंधन करेगा। और अभी तो शुरुआत हुई है, हम कह सकते हैं आने वाले समय में यही गठबंधन उत्तर प्रदेश में 300 सीटें जीतेगा और देश की राजनीति में भी बदलाव लाने का काम करेगा। इसलिए तमाम साथियों हम आपसे निवेदन और अपील करना चाहते हैं, समाजवादियों ने कम से कम काम अपना जमीन पर उतारा है। अगर हमने एम्बुलेंस दी है तो आप फोन करते हो 15-20 मिनट में ये एम्बुलेंस आपकी मदद करने के लिए पहुंच जाती है। आने वाले समय में हम विश्वास दिलाते हैं आपको, हमारे तमाम गरीब किसान जो गांव में रह रहे हैं, अगर कभी भी इलाज की जरूरत पड़ेगी तो जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उनमें पूरा का पूरा मुफ्त इलाज होगा, एक भी पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा। साथ ही साथ हमारे तमाम साथियों को इस बात की शिकायत रहती है कि अगर फोन पुलिस को मिलाया तो फोन नहीं उठा, और अगर फोन उठ भी गया और अगर कहीं ऐसो साथ का थोड़ा दिमाग गर्म रहा तो पता नहीं कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर दिया उन्होंने फोन पे, आप डर के फोन रख देते थे। अब जो व्यवस्था दी है 100 नंबर वाली, दिन में रात में जब चाहे तब फोन मिला लेना, आपका फोन भी उठेगा और 15 मिनट में पुलिस भी पहुंच करके आपकी मदद करने का काम करेगी। ये सुविधा दी है, इस सुविधा का और अच्छा इंतजाम करेंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंच पाए। कल प्रधानमंत्री थे बाराबंकी में, वो कह गए कि थाने समाजवादी लोग चला रहे हैं। मैंने बहुत सोचा कि आखिरकार प्रधानमंत्री क्यों कह गए होंगे इस बात को। बाद में मेरे मन में विचार आया कि वो पुलिस को भी कह गए कि समाजवादियों की मदद करना, अब जरूरत नहीं हमारी मदद की। तो ये जितनी पुलिस दिखाई दे रही है आपको, ये भी समाजवादी हो गई है अब। और इसलिए भी समाजवादी हो गई कि इससे ज्यादा समाजवादियों से ज्यादा किसी ने काम पुलिस का नहीं किया होगा, मदद नहीं की होगी। हम जब चले जाए तो पूछ लेना पुलिस के लोगों से कि सबसे ज्यादा प्रमोशन और पुलिस को गाड़ी अगर किसी ने दी है तो समाजवादी लोगों ने दी है। पुलिस भर्ती भी आसान कर दी, पहले एक परीक्षा 2 परीक्षा लिखनी पड़ती थी, अब नौजवान साथियों तय कर लिया है
कि आप 10वें 12वें के नंबर ले आना, कोई परीक्षा नहीं होगी, जो दौड़ के दिखा देगा, जो सबसे आगे होगा उसे पहले मौका मिल जाएगा। इसलिए अब ये चुनाव का समय है, समय चुनाव का है और अब ज्यादा समय नहीं बचा है। अब कोई आपसे वोट मांगने भी नहीं आ पाएगा। बताओ कोई आ पाएगा वोट मांगने? ये आखिरी चुनावी जनसभा है चुनाव से प्रचार से पहले। हम तो जानते हैं जहां पे किसान यूनियन के लोग आ जाएं और सपेरे आ जाएं तो समझ लो वही पार्टी जीत गई। यहां सपेरे भी हैं और किसान यूनियन के लोग भी दिखाई दे रहे हैं। हम जय गुरुदेव के भी अनुयायी भी दिखा दे रहे हैं और हम सपेरों को अपना धन्यवाद इसलिए देंगे कि लखनऊ के लोग जानते होंगे सबसे बड़ा पार्क बना और सबसे ज्यादा मदद इन्होंने की, क्योंकि कुछ लोग टहलने गए, उन्होंने कुछ देख लिया पार्क में और हमें सूचना दी। मैंने सपेरों को बुलवाया और महीनों रखा, अब गिनती मत पूछना दी उन्होंने कितने पकड़े थे उसने साहब। कम से कम इन सपेरों का हम धन्यवाद देंगे कि इन्होंने वो पार्क सुरक्षित कर दिया, आज वहां एक भी नहीं दिखाई दे रहा। और ये इलाका तो वो है बहुत ही लखनऊ के करीब वाला और समाजवादी इलाका है, इस इलाके में बहुत काम हो रहा है। जो उस हिस्से में है चकदरिया वाला हिस्सा, दूध का मिल्क प्लांट भी लग रहा है, आईटी सिटी भी बन रही है, मेडिकल का अस्पताल भी बन रहा है और तमाम सुविधाएं बन रही हैं। हम तो कहना चाहते हैं यही तरक्की और खुशहाली का रास्ता है। अगर किसी और के पास कोई रास्ता है तो हमें बताओ। और हम तो बीजेपी के लोगों से कहना चाहते हैं अगर एक भी काम आपने किया हो उत्तर प्रदेश और लखनऊ में तो हमें बताओ कि आपने कौन सा काम किया है। हम लोगों ने तो चकदरिया दे दिया, आईटी सिटी, सड़क, बिजली, पानी सबका इंतजाम कर रहे हैं। और तमाम हमारे बंजारे और सपेरे जानते होंगे समाजवादी पेंशन और लोहिया आवास भी इन तक पहुंचा दी हम लोगों ने। और दो मामले और जो ठीक करने आने वाले समय में, एक जो हमारा गरीबों का राशन वाला मामला है, क्योंकि अक्सर कोटेदार और प्रधान जी मिलकर के थोड़ा बहुत हमारे गरीबों को परेशान कर देते हैं, चाहे हमें कोटेदारों को सहूलियत देनी पड़े या इंतजाम कुछ करना पड़े हम करेंगे और गरीबों को राशन दिलवाने का भी काम इस प्रकार में होगा। साथ ही साथ कई लोग प्रधान बन जाते हैं और प्रधान हट जाते हैं केवल पेंशन बनाने और काटने में। बहुत से गरीब छूट गए हैं। हमने तय किया है, अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि एक भी गरीब परिवार की महिला नहीं छूटेगी जिसको हम समाजवादी पेंशन न दे दें। आने वाले समय में तमाम अपने गरीब परिवारों को पेंशन देंगे और 1,000 रुपया महीना सीधे सीधे उनके अकाउंट में पहुंचाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इसलिए मोहनलाल गिनती जनता से हम निवेदन करेंगे, आपने हमारे और समाजवादियों के निवेदन पे पिछली बार भी जिता दिया था, चंदा रावत जी को जिता दिया था, अब तो वो भी आपके समर्थन में हैं और नए हमारे प्रत्याशी अमरीश सिंह पुष्कर जी, इनके मदद कर देना, इनका सहयोग कर देना। इसलिए सहयोग कर देना क्योंकि सरकार बनानी है और फिर कांग्रेस पार्टी आपके साथ आ गई है। हम तमाम समाजवादियों को जानते हैं, जब वो साइकिल चलाते हैं और तेज चलाते हैं कई बार हैंडल छोड़ के पैडल मारते हुए साइकिल ले जाते हैं अपनी, और अब तो कांग्रेस पार्टी का भी हाथ लग गया है आपके हैंडल पे, तो सोचो साइकिल की रफ्तार क्या होगी। इसलिए लखनऊ तो जिता रहा है, वहां तो जीत रही है पार्टी, पहले से अच्छे वोटों से जीत रही है। इस बार जिम्मेदारी आप मोहनलालगंज की जनता की है कि इस प्रत्याशी को आप जिता देना, मदद कर देना, जिससे एक बार फिर उत्तर प्रदेश में समाजवादियों की सरकार बन जाए। यही निवेदन, यही अपील आपसे मैं करने आया हूं। मुझे भरोसा है जब आप वोट डालेंगे 19 तारीख को तो आप सब मिलकर के एक एक वोट साइकिल चुनाव चिन्ह पर डालेंगे, और वही जब वोट पड़ेगा तो आने वाले समय में 11 मार्च को आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार समाजवादियों की होगी। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी दिखाई दे रहे हो,
पूरे बोर्ड डलवा देना और ये बंजारे वगैरह सब अपने सपेरे दिखाई दे रहे हैं, सब बोर्ड डलवा देना। और किसान यूनियन वालों बहुत आंदोलन करते हो, मदद करना। अधिवक्ता संघ भी दिख रहे हैं, वो भी मदद करना। अमर पाल से लेकर के तमाम टीम है, यासीन पहलवान दिखाई दे रहे हैं, इनका वोट कहाँ है ये हमें नहीं पता, लेकिन हर जगह मदद करेंगे ये। इसलिए सब लोग मिलकर के समाजवादी साथियों मदद कर देना और एक बार फिर सरकार बना देना। और एक बार सरकार बनेगी तो हमें फिर एक बार उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने का मौका मिलेगा। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, जो काम समाजवादियों ने किए हैं आप तुलना कर लेना, आपके समाजवादी कामों से बेहतर कोई काम नहीं कर पाया है, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, अस्पताल का इंतजाम हो या और सुविधाओं देने का बात हो। समाजवादी लोगों ने कम से कम उदाहरण पेश किया है काम कर करके। इसलिए एक बार फिर साइकिल के चुनाव चिन्ह पे मदद कर देना, हमारे पुष्कर जी को जिता करके विधानसभा में पहुंचा देना। बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश भैया जिंदाबाद, अजय अजय मंगलाराम रावत, आईपी अजय ज्ञानेंदर प्रिंस और मंगलाराम रावत, अखिलेश यादव अमर पाल सिंह जिंदाबाद, 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 अखिलेश यादव अमर पाल सिंह जिंदाबाद। सब लोग आ जाए, राम समो जी, अखिलेश भैया अमर पाल सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद, नवीन नवीन वर्मा चौधरी कहते हैं आने दिया जाए, सभी नौजवानों को जिन लोगों का फतेह को बुला लो, अदम सिंह लोगों का बुलाया जा रहा है, इनको आने जाकी है, ओसामा है, मंत्री है, जितने लोग नौजवान मिलना है, स्वागत है सबका। मोहम्मद सुफियान भाई को आने दिया जाए, टाउन एरिया के चेयरमैन हैं, नौजवानों का स्वागत कर रहे हैं। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ऊर्जावान ये सादात भाई मिल रहे हैं भैया से, सादात भाई बरुआ के नौजवान प्रधान हैं। अजय सिंह इन लोगों को आने दीजिए, इन लोगों को आने दीजिए, नौजवान मिल रहे हैं।